प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा दौरा है। हरियाणा में आज चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र से विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे थीम पार्क कुरुक्षेत्र में होगी पीएम मोदी की रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे। जो समय है दोपहर 2 बजे थीम पार्क पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र में। सबकी बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की अपील करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। सभी दलों के स्टार प्रचारक पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में जाएंगे कुरुक्षेत्र में और वोट की अपील करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं सभी प्रत्याशी, जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। अब 5 तारीख को मतदान होना है, उसको देखकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारक पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। और वही आपको बता दें कि 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, उसको देखते हुए सभी प्रत्याशी वोट की अपील कर रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। थानेसर विधानसभा क्षेत्र में रखी गई है मोदी की रैली, वहां पर रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र। इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सीटों पर दांव साधेंगे। जी हां, कई सीटों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखते हुए कुरुक्षेत्र में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में हो रही रैली के लिए कई जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। वहां पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। कई जिलों की पुलिस के महिला एवं पुलिस जवानों को वीआईपी सुरक्षा बलों के लिए तैनात किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर ने सुरक्षा बलों की निगरानी रखी जा रही है। और वहीं रैली के लिए तैनात सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से रैली निकाली जाएगी, किस तरीके से आयोजन होगा, आयोजन की सारी तैयारियां कर ली गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस के 8 SP वहां पर तैनात किए गए हैं और वहीं 20 DSP को भी तैनात किया गया है। पुलिस की 8 कंपनियां तैनात की गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कुरुक्षेत्र शहर में किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। कुरुक्षेत्र में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, वोट की अपील करेंगे। सुरक्षा के साथ साथ यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं, जिससे किसी भी वाहन चालक को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 3rd गेट से लेकर पुराने बस स्टैंड तक कुछ समय के लिए यातायात प्रतिबंध रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि यातायात को लेकर भी अधिनियम बनाए गए हैं। कुरुक्षेत्र शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, कि जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वहां पर भारी वाहन की एंट्री बंद कर दी गई है। कुरुक्षेत्र को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वहां से जनता से अपील करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। अब 5 तारीख को मतदान होना है, 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, उसको लेकर सभी दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, सभी दलों के स्टार प्रचारक उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करेंगे। थानेसर विधानसभा क्षेत्र में रैली रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे, वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि इस रैली के जरिए पीएम कई सीटों पर दांव साधेंगे, कई सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को देखते हुए कुरुक्षेत्र में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में हो रही है रैली के लिए कई जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। वहां पर कई जिलों की पुलिस की महिला एवं पुलिस जवानों को वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर निगरानी बनाई हुई है। रैली के लिए तैनात सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस के 8 SP और 20 DSP को तैनात किया गया है।
कुरुक्षेत्र के अंदर जहां पर रैली होनी है, पुलिस की 8 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुरुक्षेत्र शहर में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो उसको देखते हुए, वहीं सुरक्षा के साथ साथ यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थर्ड गेट से लेकर पुराने बस स्टैंड तक कुछ समय के लिए यातायात प्रतिबंध रहेगा, जिसको देखते हुए कुरुक्षेत्र शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है।